بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراعن فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس لا أولئك حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار अन नबी सैदिलख़ुद्री अन नबी सकाल तब उन्ना सुन मन कान शबरन शिबरन वजरान जीरा हत् लउलू जहरा जब्ब जब्बिन तब तबू हो कुल्ला यारसूल अली सारा कलफ़ मन बाब बाब इसमें मंद आला जतान औन्ना सुन्नता सैत ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش وَأَنَا عبد الله بن مرة عن مسروق أن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها सन अलकला बिलकताब व सुन्ना के दौरान उमत महम्दिया के अंदर जो खराबी खराबियाँ पैदा होने वाली हैं उनका ज़िक्र भी इमाम बुखारी लाए हैं और दो बापों के तहत लाए हैं एक तो बाप ये है कि उम्मत मुहम्मदिया वो तमाम खराबियों का शिकार होगी जो दूसरे लोग दुनिया के दूसरे लोग या ऐसे लोग जो अपने आप को जो है वो मजहबी कहलाते हैं और उनके पास इल्हामी किताब भी है आम दुनिया के तरक् याफ़्त लोग तो है के फारस और रूम हैं और जो इससे पहले मजहबी लोग जो गुज़र चुके हैं वो यहूद नसारा हैं तो नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह सारी खराबियाँ वो फारस और रोम की हों या यहूद न सारा की हों ये सारी की सारी ख़राबियाँ जो हैं वो तुम्हारे अंदर जो हैं वो पैदा होंगी और इस तरह ये चीज़ें जो हैं जिस तरह जूती का जूती का एक पाँव जो है वो दूसरे पाँव के साथ मिशावे होता है और इसके लिए अल्फाज जो है वो आपने कभी तो ये बोलें शिबरम भी शिविर शिब्र कहते हैं ये जो होता है ना बारिश आप एक बारिश उसको बोलते हैं शिवर यानी तुम इस तरह बराबर हो गए जिस तरह के एक बारिश दूसरी बारिश से बराबर होती है और ज़रा कहते हैं हाथ को ये डेढ़ फुट का होता है तो एक हाथ जो है जिस तरह दूसरे डेढ़ फुट के बराबर होता है इस तरह जो है वो तुम्हारे अंदर ये सारी खराबियां जो है वो मौजूद होंगी तो नबी अक्रम सर से जब पूछा गया तो आपने एक मौके पर उन्हें कहा गया कि क्या आपकी मुराद जो है वो फारस और रूम है तो आपने कहा कि अहम लोगों में से इनके अलावा और है कौन मतलब ये कि दुनिया में इस वक्त जो फ़ारस और रूम का मुकाम है वो किसको हासिल है तो यहाँ लोगों की अहमियत के अतबार से उनका जिक्र कर दिया है वमीन ना सेक लोगों में से यही तो हैं और जो अगली हदीस है उसके अंदर मफहूम तो वही है लेकिन अल्फाज का मामूली सा फ़र्क है जिसमें यहाँ तो था ना शिबरन बेशिब रन वहाँ तक शिब रन शिप रन बरिश्त बरिश्त और हाथ हाथ यानी इस तरह बराबरी होगी बराबरी होगी यहाँ तक कि अगर वो किसी सान्डे के बिल के अंदर जो है वो घुसे होंगे तो तुम भी ज़रूर इसी तरह उस बिल के अंदर जो है वो उनके पीछे जाओगे इससे जब आपसे पूछा गया कि बरात यहूदों न सारा है तो आपने कहा और कौन है ये बताया है कि ये तमाम खराबियाँ जो हैं ये तुम्हारे अंदर आएंगी इस्लाम के कुछ तस्वूर ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर सेकुलरिज़म के दुनिया में छा जाने के बाद उनका उजागर करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है मैं कुछ तो अल्फ़ाज की वजाहत करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद जो है कुछ निज़ाम हैं जो इस्लामी निज़ाम कहे जा सकते हैं उन भी एक आपके सामने हुलिया सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ तो अलाहत में एक इस है सुन्नत एक इस है हदीस और इसी तरह एक अलह है कौम एक असलाह है मिलत दुनिया के अंदर खिलाफत के ख़ात्मे के बाद जब लोग जो हैं अपने अपने इलाक़ों में जो है वो ख़ुद मुख्तार हो गए और ताकत के साथ जो है वो गैरों की साजिशों से इस तरह तकसीम हुए कि उनको अब जोड़ना मुश्किल हो गया है तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं ये सेकुलरिज्म का जो फिक्र था उसकी वजह से ये दुनिया के अंदर फैली हैं ये हदीस और सुन्नत का तो मैंने इसलिए जिक्र किया है कि सुन्नत अरबी ज़ुबान में तर्ज को कहते हैं जिस तर्ज पर कोई काम किया जाए अगर वही तर्ज जो है वो आप इख्तियार करेंगे तो वो सुन्नत सुन्नत के साथ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल है उसमें आपके अकवाल भी शामिल हैं आपका आपके अफवाल भी शामिल हैं हती कि आपकी जो आ, देख कर खामोशियाँ या आपने जिस तरह को तबसरा किया है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं तो इसको मुहद्दिन के यहाँ कहा जाता है सुन्नत। वैसे तो चूँकि जिस तरह एक आदमी है और उसका नाम जो है वो हकीकत में नाम का मकसद होता है उस आदमी की निशानदही तो इसलिए जब मुहदसिन ने नबी अक्रम सल्ला वसम से मुतला तमाम चीज़ें जो आपका उसवा था उनको रवायत के ज़रिए से आगे बयान करना शुरू किया तो जाहिर है कि फिर वो रवायत को अलफा और गुफ्तगु की शक्ल बन जाती है तो जब ये अल्फाज और गुफ्तु बन जाती है तो उसके लिए जो लघवी तौर पर मुनासिब लफ्ज है वो लफ्स हदीस है तो इसलिए आम पर तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत और उसी की रवायत जो है एक ही चीज़ है जिस तरह के इंसानी शख्सियत और उसका नाम जो है वो एक ही चीज़ होती है लेकिन बसाओकत इन दोनों को अलग अलग मुकाबले में लाकर जो है वो उजागर किया जाता है तो जब उजागर किया जाएगा तो उस वक्त जो है वो सुन्नत से मुराद थोड़ा सा फ़र्क होगा मिसाल के तौर पर एक इमाम का ये कौल है कोई उसने इमामों के ऊपर तफ्ता करते हुए कहा है कि सुन्नत में इमाम आमद का मुक़ाम बड़ा बुलंद था और हदीस में इमाम आमद बिन हम्बल का मुकाम बड़ा बुलंद था अब यहाँ चूँकि मुकाबले में दोनों चीज़ें आ गई हैं तो इनका थोड़ा सा फ़र्क क्या है मतलब यह कि नबी अलैहि वसल्लम का जो उस हसना है इसकी वाकफियत जो है वो इमाम मालिक को बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इमाम मालिक मदीना मनवरा में थे और मदीना मनवरा में जो नबी अलैहि वसल्लम की इनफरादी और इज्तमी ज़िंदगी है जो आपका उसवा ऐसना है अकेले भी और सब्बा के साथ इज्तमही सूरत में तो चूँकि वो खैर उकुरून में इसी तरह बाकी रहा और उसके अंदर जो भी तब्दीली आती रही वो रवायत के ज़रिए से वाज हो जाती रही लेकिन यह है कि बुनियादी चीज़ तो वो असल में वो उस जो था वो ख़ुद वहाँ मौजूद था और किसी उसवा के मौजूद होने की भी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है इसीलिए इन जबानों को जो है वो बेहतरीन ज़बान करार दिया गया है तो इमाम मालिक चूँकि मदीना मनबर में होने की वजह से उनको इस बात की तलाश बड़ी होती थी कि नबी अक्रमली वसलम का जो उसवा है उसको तलाश करें और जब ये लफ्ज कहा गया है कि अहमद बिन हंबल जो ज उनका हदीस में बुलंद मुकाम था तो इसका मतलब ये है कि नबी अक्रम को बयान करने के लिए जो रवायात आती हैं उन रवायात की जो अलग अलग तहकीक़ है उसमें इमाम अहमद का एक मुकाम था इसीलिए जो नाकदीन हैं बड़े इमाम और ख़ास तौर तो पर हदीस के जो हैं वो जहादतलाइम हैं उनमें इमाम अहमद का नाम आता है इमाम बुखारी का नाम आता है इमाम का नाम आता है दार कुतनी का नाम आता है तो ये लोग उनमें शामिल थे तो उस वक़्त जो है वो हदीस से मुराद क्या होगा उसी उस्वासना का बयान इसके साथ ही जो एक लफ्ज़ और है मैं ताकि सुन्नत का और उस लफ्ज़ का जो है वो आपस में आपको फ़र्क इलम हो जाए हमारे जदीद दौर ने जबकि इलाक़ों पर कंट्रोल करके अब इलाके जो है वो बिखर चुके हैं आप देखिए कि एक वो वक्त था जब खिलाफती तो तमाम के तमाम मुसलमान इलाके एक थे और आज जो है वो सतावन अठावन जो है वो इस वक्त रिस्ते मौजूद हैं मुसलमानों की और वो सारी इलाकाई हदबंदियाँ हैं तो इसको मैं वादे करने के लिए कुरान की एक आयत आपके सामने रख कर जो है उस पर तवज्जो की तरफ उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कल मलाउीन अस्तपरू नमज़ पारा शुरू रहा है कल लदीनबरु लालीन मलाउल अस्तपरु लदीन कैसे कालल मलाउलिन तकबरु मिन, मिन, कौम, मिन कौम मिन कौम ही कालल मलाउल्लजीना सकबर मिन कौम ही नखरे जन्ना का या शुयो वल्लीना आमन आका मिन करियतना अवलता उदुलनाफ़ी मिलतना काला अवलवना कारहहीन ये शुएब को जो कौम के जो बड़े बड़े सरदार होते हैं बड़े जो लोग होते हैं मतकबर उन्होंने शुब से कुछ गुफ्तु की है और कुरान मजीद ने ज़ाहिर है कि उस गुफ्तु को बयान किया है अब कुर मजीद की जो ताबीर है वो तो बड़ी आला होती है ना तो क़ुरान मजीद की ताबीर के मुताबिक यहाँ तीन अल्फ़ाज आए हैं जो दौरे हाजिर में सियासी तौर पर बहुत अहमियत रखते हैं एक लफ जो है ये लहा इसमें आया है कौम के सर कौम के सरदारों का लफ्स कौम और उसके सरदार एक लफ्त तो यहाँ ये यह आया है और दूसरा लफ्ज आया है बस्ती का जिसको हम आज वतन कह सकते हैं और तीसरा लफ्ज आया है मिलत का जहाँ तक ये बस्ती की बात है और कौम की बात है ये तो जाहिर है कि हमारी दीनी उर्फ़ और असलाहत के अलावा भी इनका इस्तेमाल होता है और इनका इस्तेमाल जो है वो होता है कौम का इस्तेमाल आमतौर पर नस्ली ताल्लुक़ जो होता है उनके लिए होता है नस्ली ताल्लुक में आप अगर देख चाहते हैं तो कुरानी मजीद की एक आधी आयत और मैं आपके सामने रखता हूँ उसमें आपके लिए बात बाजी हो जाएगी याद नाम लास्खर कौम कौमिन कौमिन असा तो यहाँ नाट ठट्ठा करे एक कौम दूसरी कौम के साथ यहाँ कौम से मुराद क्या है यानी एक नस्ल, एक नस्ल के लोग जो है वो दूसरी नस्ल के लोगों के साथ ठट्ठा मजाक ना करें मतलब इसके अंदर जो इज्जत और ज़िल्लत की बातें हैं ये शरीयत उनको बहुत नापसंद करती है तो इसलिए लफ्स कौम चूँकि ये जो आमतौर पर नसल का ताल्लुक है ये मरद से कायम होता है इसलिए जब मर्दों का जिक्र किया है तो वहाँ लफ्ज़ कौम का इस्तेमाल किया है और जब औरतों का जिक्र किया है तो वहाँ लफ्ज़ कौम छोड़कर जो है वला नसाउम न तो मुराद वो भी असल में लेकिन औरत के साथ नस्ल नहीं चलती तो इस एतबार से यहाँ उनके लिए लफ्ज़ कौम का इस्तेमाल नहीं किया और वैसे भी चूँकि ये नकरा का तकरार है इसलिए पहली कौम जो है वो और है और दूसरी कौम जो है वो और मुराद है मैं आपको बता चुका हूँ कि नकरा का तकरार जो होता है वो मुख्तलिफ होने की निशानदेही करता है और जो मर्रब्लाम का जो तकरार तो तकरार होता है वो असल में उसी की निशानदेही करता है और इसके लिए मशहूर मिसाल है इन्ना माल मालसरे युसरा इन्ना माल मालसरे युसरा देखिए उसर जो है वह अलीफ्लाम के साथ है वो एक ही चीज़ है और जो आसानियाँ हैं वो दो हैं एक उस मुश्किल से पहले की आसानी और एक उस मुश्किल के बाद की आसानी तो इसलिए यूसरा को नकर इस्तेमाल किया है, है और जो अल-उसर है उसको जो है वो मर्रफ़ बिल्लाम इस्तेमाल किया है तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि कुरान की इस आयत ने जो है क़ुरान और हदीस की का जो असल उर्फ़ है या उसके अंदर जो अल्फाज मखसूस माना रखते हैं उनको वाज किया है तो कल अलमलादीन अस्तकमर उमिन कौम ही यहाँ देखिए शुब की कौम के लोग तो क्या मतलब कि शुैब और वो लोग जिनको शुैब ख़िताब कर रहे थे वो एक कौम से उनका तल्लु था मतलब यह कि एक नस्ल से उनका तल्लु था उसके साथ ही फिर आगे चलिए खाल मलाउल सकबरु मिन कौम ही ल नखर जन्ना का या शुआबो वल आमनु माकर मिन करियतना ए शुब हम तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को अपनी बस्ती से जो है वो निकाल देंगे और यहां बस्ती का जो है ये वतन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो आप देखिए कौम एक है और वतन भी एक है यानी शुैब की कौम और उन लोगों की कौम एक है एक बरादरी है और वतन भी एक है एक ही जगह खिलाने वाले हैं अद्ला फी मिल्लना वरना एक ही सूरत है कि तुम हमारी मिलत में वापस आ जाओ मिलत और चीज़ है यानी कौम और चीज़ है और मिलत और चीज़ है अब हमारे यहाँ ये बासें है जो हैं ये बहुत लंबी चौड़ी फैली हैं इस पर डॉक्टर सरार ने अपना इकबाल की जो कश्मकश है वतन की बास और कौमियत की बात अलाम इकबाल भी इसमें बहुत उलझे हैं मैं इस वक्त किसी की तरद करने के बजाय कुरान मजीद की जो इस तरह है वो आपके सामने वाजे करना चाहता हूँ तो कुरने मजीद ये बताता है कि मिलत और चीज़ होती है लेकिन यह है कि कौम जो है वो अगर एक भी हो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता इसी तरह अगर इलाक़ा भी एक हो वतन भी एक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता असल चीज़ जो है वो ये है कि दीन मिलत का ताल्लुक जो है वो दीन से है लेकिन थोड़ा सा दीन और मिलत का जो लफजा है इनका भी इस्तेमाल मैं आपके सामने वा वादे कर दूँगा इन अभी तो अब देखिए ना इकबाल इक की मैं आपको मिसालें दे देता हूँ अपनी मिलत पर अपनी मिलत पर क्यास अकवाम मगरब से ना कर खास है तरकीब में कौम रसूल हाँश्मी अभी देखिए इकबाल ने यहाँ जो है वो जो ताबीर की है उसकी अपनी ताबीर है लेकिन ये कुरान के मुताबिक नहीं है इसलिए कि कुरान के मुताबिक उसने मिलत को और कौम को एक माना में लिया है अपनी मिलत पर क्यास अकवाम मगरब से न कर क्या मतलब मिलत और कौम एक चीज़ है यानी तुम्हारी कौमियत और मगरब की अकवााम की कौमियत जो है वो एक नहीं है ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाश यानी हाशमी रसूल की जो कौम है अगर तुम इनकी तमाम आदात और इनके तमाम रवैये जब जमा करोगे तो उनकी तरकीब जो है वो मुख्तलफ होगी मतलब यह है कि लफ्सों में अगर आप ये लफ आज़ादी का लफ्ज़ भी बोल दें कोई और लफ्ज बोले लेकिन इस्लाम का जो निज़ाम है उसके अंदर आज़ादी का मफहम बिल्कुल अलग है इसी तरह और चीज़ों का मफहम जो है वह बिल्कुल अलग है लेकिन इकबाल ने जो यहाँ जिस उलझन में हमें डाला है ना वो ये है कि मिलत और कौम को एक माना में इस्तेमाल किया है और ये भी आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर आज सियासी तौर पर एक लफज इस्तेमाल होता है और वो लफ्ज हकीकत में ए, इस ग़लत तस्वुर की बुनियाद पर है आपने एक लफ्ज जो है वो ख़ास तौर पर अरब मुल्कों के बारे में बास पार्टी का लफ्ज़ सुनाऊँगा बास पार्टी बास पार्टी के नजदीक असल में जो इस्लाम है ये बुनियादी तौर पर अरबों का दीन है आ, इसके नेशनलिज्म का तस्वर है इसके अंदर ये मतलब है कि ये, ये, मतलब ये, ये अरबों का जो दीन है वो इस्लाम है और उसके बाद गैरों के लिए फिर ये बिल वास्ता है हालांकि ये बात गलत है कि लतरा उमल क्रा बमन हाउरहा उम्ल क़ुरा और उम्मल क़्रा के इर्द गिर्द जितना भी काम है ये तमाम के तमाम जो हैं इन सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भेजे गए तो इसलिए ये बास पार्टी का जो तस्वर तो है ना असल में ये एक बड़ी लंबी कश्मकश चली थी जमाल अब्दुल नासिर के दरमियान और शाह फैसल के दरमियान तो जमाल नासिर कहते थे हम अरब हैं और अपने अरब होने पर फख्र करते थे शाह फैसल कहते थे नहीं हमें फ़ख्र अपने इस्लाम पर है अरब होने पर हमें फ़ख्र नहीं है तो कहने का मकसद यह कि ये असल में इसी लिए जमाल अब्दुलनासर के फिर तस्वुर की बुनियाद पर जितनी भी तहरीकें जो है उठी हैं मुख्तलिफ अरबी मुल्कों में इराक़ के अंदर इसी तरह जो है वो आ, शाम उर्दो वगैरह के अंदर इसी तरह मिसर के अंदर तो ये वहाँ चक्कर चलते रहे हैं ज़ुबान अरबी और इसके साथ साथ जो है वो अरबी ज़ुबान के अलावा दीन इस्लाम तो हमें एक होना चाहिए अपने दीन की बुनियाद पर यह तस्वर तो था शाह फैसल का और हमें अरब होने की असियत से एक होना चाहिए यह चीज़ जो है ये असल में वो नस्ली तस्वुर है कि जिसमें फ़िरौन काबिल तारीफ़ इसलिए हो गया कि हम फिरौन की नस्ल से हैं तो इसलिए ये तस्वुर जो है ये चूँकि सियासी तौर पर आया है और हमारी यूनिवर्सिटियाँ तो चूँकि उनको दीन का मताला गहरा होता कोई नहीं इसलिए वो इन मानों को जो है वो इस तरह आप समझ बैठी हैं कि यही इस्लामी जो है वो हमारे यहाँ बन गए हुए हैं अगर अगरचे इस मसले पर जो मैंने आपको बताया कि मौलाना मौदूदी ने भी मलकी ये जो है ना मसला कौमियत पर किताबें लिखी हैं और मौलाना मौदूदी ने इसको जो है वो काफ़ी वाजे करने की कोशिश की है लेकिन मैं इस वक्त जो आपको आ, कह रहा हूँ वैसे ये मेरे कुछ खताबात हैं जो मुहदस में रिपोर्टिंग की सूरत में जो है वो आए हैं तो उसमें मैंने यही बताया था कि मिलत का ताल्लुक़ जो है वो दीन की बुनियाद पर होता है तो अब तीन चार नफज जो है वो दीनी हैं मैं उनका भी फ़र्क आपके सामने वाज कर दूँ एक लफज तो मैंने अभी आपको बताया था लफ्सनत और एक लफज़ जो है वो मैंने आपको जो है वो दीन का लफज इस्तेमाल किया है और एक मिलत का लफज इस्तेमाल किया है दीन से मुराद तो इंसान की जिससे गहरी वस्तगी होती है और उसके लिए इंसान जो है वो फिर हर चीज़ कुर्बान करने के लिए भी तैयार होता है उसको तो कहते हैं दीन तो उसको जो है वो और उसी शरीयत का एक, एक लफज मुतरफ है जिसको लफ्ज सुनत से ताबीर करते हैं यानी वही शरीयत जो अल्लाह ने उतारी है उसको जब नबी के अमली नमूने की शक्ल में अगर आप देखेंगे तो उसी को सुनत कहते हैं इसीलिए हदीस के अंदर एक जगह पर अल्फा आया है कि मदीना जो है यह दारिजरा भी है और दारोसन्ना भी है तो दारोसन्ना का यहाँ जो लफज इस्तेमाल हुआ है उसका असर मकसूद ये है कि नबी अक्रम सल्ल व जो उसवा है, जो उस्वा है, जो उस्वा है जो वो मदीना मनवरा में पाया जाता था और इसी बिना पर जो है वो इमाम बुखारी राम ने मदीना मनवरा का जो माशरा उस तौर का था उसकी अहमियत जो है वो पेश की है और मैं ये आपको वादे कर चुका हूँ कि इमाम बुखारी के नज़दीक ये जो हमारी इजमा वगैरह की जो बातें हैं ये सारी इमाम बुखारी यानी मतकदम की का वो तस्व्र तो नहीं है जो बाद में इजमा का तस्वुर बना दिया गया है इसलिए मुतकदम के बारे में ये कहना कि वो हमारे इजमा के कायल थे ये बात गलत है जो मुतकदमी थे उनका जो जो तस्वुर था इजमा का वो तस्वुर था इतफाक का इसीलिए माम बुखारी ने जब बाप बांधा है तो इसके अंदर लफज क्या लाए हैं बाबो मा जकर नबी वजा इतफा के आ तो आप यूं समझिए कि इज्तहा जब इज्तहा का इत्तेफाक हो जाता है तो ये असल में इजमा है तो इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब मौजूद है कि इत्तेफाक की तरफ जाइए इख्लाफ की तरफ ना जाइए और इसकी जो इसकी अहमियत तो है अगर आपने समझ नहीं हो तो ला तज़ार नमती हूँ इस अदीस है जो है वह सबित होता है दरअसल जो मुसलमानों का एक इजमाही तस्वुर बन जाता है ना वो यानी अपने तर्ज अमल के अतबार से उसको बोलते हैं अपना शबीराममौमिन तो शबीराममिन जो होता है वो एक होता है और उस शबीलमिन के जो ज़ुज़ियात हैं उनके अंदर इश्तहादी अख्तिलाफ़ भी हो सकते हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन यह है कि मजमू तौर पर इज्तमाही तौर पर हमारा जो जो दीन है उसको शबील कहते हैं तो इसलिए हज़रतब्ब्बुल्लाबिन अब्बास ने शरातम अमिन हाजा कुल्ल जबिनकुम शरा आतम अमिन हाजा के अंदर जिस चीज़ को जो है वह बयान किया है वो आ, शरा से उन्होंने तशीरी करते हुए कहा सुन्नतन और मिन से मुराद शबीद है तो सुन्नत से मुराद जुजियात भी हैं और इज्तमायात भी इसमें आ जाती हैं और जो मिनहाज है वो असल में वो तरीकेकार है जो इन चीज़ों को फ़रोग देने के लिए इन इन चीज़ों को जारी और सारी करने के लिए नाफिस करने के लिए जो है ये जो कोशिशें होती हैं वो तमाम के तमाम मिनहाज कहलाते हैं और तारीम, तारीम भी मिनहाज है इसी तरह जो है वो हमारे यहाँ फ़िक्री गलबे के लिए तहजीबी गलबे के लिए जो मेहनतें होती हैं वो भी तमाम की तमाम जो है वो मिनहाज में आती हैं तो गलबा दीन की जितनी बातें हैं उनका ताल्लुक जो है वो मिनहाज से है लेकिन अभी मैंने एक लफ्ज की वजाहत नहीं की इसलिए उसकी वजाहत होगी तो आपके लिए मजीद बात खुल जाएगी जो लफ्स मिलत है इसका और सुन्नत का फर्क क्या है या शरीयत का और मिलत का जो है वह आपस में क्या फर्क है शरीयत से मुराद तो वो चीज़ें हैं जो एक तर्ज अमल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है जिसको हम उसना कहते हैं वो तो सुन्नत है लेकिन इस इसकी एक इज्तमाही हालत है मैं वो इजमाही हालत ही होती है कि ये सारी की सारी चीज़ जो है ये इकट्ठा ही तैयार हुई है मैं दर लफ्स मिलत का जो लघवी इस्तेमाल है उससे ये बात खोलना चाहता हूँ इमाम रागिब ने अपनी मुफरादा के अंदर इस चीज़ को यूँ वादे किया वो कहते हैं कि एक तो मिलत की नस्बत जो है ये अल्लाह की तरफ नहीं होती ये रसूल की तरफ होती है इससे यह मालूम होता है कि देखिए हालांकि दीन का तस्वुर तो अल्लाह ने दिया है और दिन की नस्बत अल्लाह की तरफ भी होती है लेकिन मिलत की नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं होती इसलिए कि मिलत के अंदर वो इज्तमाही है जिसके अंदर जो इस मिलत का जो सरबरा होता है वो इसमें शामिल होता है तो इसलिए ये हमारा इस्लामी तस्वुर नहीं है कि कोई ऐसा नज़म है जिसके अंदर अल्लाह हमारा सरबरा है लेकिन ये जोकुमत अलाया का नारा लगाने वाले हैं ये इस तस्वुर में उलझू हैं और ख़ास तौर पर यखबानमसलिम और जमत इस्लामी ने जो दुनिया को तस्वुर दिया है वो ये दिया है कि अल्लाह ताला का कंट्रोल दुनिया के अंदर तकदीरी तौर तो पर तो है लेकिन यह है कि शरी तौर तो पर भी लोग जो है वो अल्लाह ताला के ताबे हो जाए और ख़ास तौर तो पर इज्तमाही निज़ामों में जब अल्लाह के ताबे हो जाएंगे तो फिर ये हुकूमत लाही हो जाएगी और उसको ख़िलाफ़त एलिया का नाम भी दिया गया गुमत अलिया का नाम भी दिया गया गोया कि इसके अंदर ये बताया गया है कि अपनी मर्जी से अल्लाह अल्लाह तला के ताबे हो जाना ये तो शरीय है और तकदीरी तौर पर जो है वो तो तमाम के तमाम अल्लाह के ताबे हैं वल्ल मनफ्लम तवम करा तमाम के तमाम जो आसमानों ज़मीनों के अंदर जो चीज़ें जो है वो हैं वो बसने वाली हैं वो अल्लाह के ताबे हैं और खवाब खुश हों या नाराज़ मतलब तकदीर तो अल्लाह की जो है वो नाफिज जारी और सारी है तो लेकिन ये तस्वुर जो है ये इस्लामी तस्वुर नहीं है अल्लाह ताला जो है वो इस हमारे साथ किसी निज़ाम का सबार नहीं है इसलिए ये जितना भी तस्वुर पैदा हुआ है कि इंसान अल्लाह का खलीफा है ये असल में सारा इस तस्वुर का बिगाड़ है जो बाद में पैदा हुआ है और इसके अंदर क्या कबाहतें पैदा होती हैं अगर इस बात को आपने मज़ीद जो है वो देखना हो तो मन तक नर इंसान खलीफतल फ़कत कफ़र उसके अंदर ये चीज़ जो है ये आपको वाजे मिल जाएगी लेकिन मैं आपको बता रहा था मिलत मिलत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है एक तो हम आमतौर पर अगर किसी चीज़ को जो है वो इकट्ठे ही पकाते हैं ना जैसे कि शकरकंदी हो या आलू हो या बेंगन हो या इसी तरह जो है वो कद्दू वगैरह इन इनको बसावकात जो है वो राख गर्म के अंदर जो है वो दबा देते हैं और इकट्ठे का इकट्ठा जो है वो तैयार हो जाता है आ, उसको आ, क्या कहते हैं उपल करना पड़था हाँ, करना भी कहते हैं पंजाबी में पड़था करना कहते हैं और ये ओपले जो हैं ये भी असल में चुका इकट्ठे जलते हैं और इनका जो गर्मा गर, गर्माओ होता है वो भी इकट्ठा होता है इसलिए इसके लिए लफ्ज़ जो है वो मिलत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रथा करने के लिए अच्छा इसको मजीद वादे करने के लिए आम देखिए तो हम जो आमतौर पर कमीज शलवार पहनते हैं वो तो जिसम के मुताबिक मर्दों में तो नहीं होती आमतौर पर जिसम के मुताबिक लेकिन ये है कि ये जो बास्केट और शेरवानी वगैरह है इसके अंदर जो आ, जिसम का आ, लम्बाई चौड़ाई इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि इसको पहले कच्चा किया जाता है कच्चा करके क्या मतलब है कि इसके जिसको हम त्रोपा कहते हैं ना तरपे लगा कर जो है वो एक इसकी शक्ल तैयार करके फिर जिस आदमी के जिसम के मुताबिक इसे फिट करना होता है उसको पहना कर देखते हैं कि भाई तुम्हारे जिसम में के मुताबिक है या नहीं कहाँ जो है इसको हमें मज़ीद तंग करना चाहिए कहाँ से हमें खोल देना चाहिए तो इसको भी मलल कहते हैं ये इसको हम उर्दू में कहते हैं लंगर डालना ये लंबे लंबे जो त्रोपे होते हैं उसको कहते हैं लंगर डालना तो ये लंगर जब डाले जाते हैं तो इनको भी कहते हैं मलल गोया के मिलत का जो तस्वर है उसके अंदर इज्तमाही तस्वर है मिलत जो है वो किसी ख़ास जुज के लिए इस्तेमाल नहीं होता इसीलिए इमाम राघव ने कहा है कि अगर आप कहें ना कि असलात व मिल्लत तो ये गलत इस्तेमाल है यानी मिल्लत का इंसान मुक़लफ नहीं है ये खुद खुद पैदा हो जाएगी वो सकते तो ये बातें बाद में अभी बात की हैं पहले आप मिल्लत समझ तो लेना कि मिल्लत है क्या <laughs> तो निजाम से है और दूसरा मिल्लत जो है किसी एक शरी चीज को जो है उसको इस तरह मिल्लत नहीं कहते असलात और तरफ होती है किसी मिसाल के तौर पर दे है तो हज़रत इब्राहिम सलाम जो हैं ये भी मिलत के सरबरा है तो बल्कि आपने इस लफ्स से बोलने से मुझे ये तोज्जो दिला दी है कि हज़रत इब्राहीम की जो मिलत है वही मिलत हजरत मूसा की है वही मिलत हरतीसा की है और वही मिलत जो है वो मोहम्मद सम की है क्योंकि मिलत से मराद वो मजमू एक तस्वुर है यानी जो दीनी तस्वुर इज्तमही है और वो इजमाई तस्वर जो है उसकी बुनियाद क्या है तो ये इस एतबार से हम तमाम के तमाम मिलत इब्राहिमी पर हैं और कुरान मजीद में नबी अक्रम सरसम को हुक्म दिया गया है वत मिलत इब्राहिम अनिफा कि इब्राहिम की मिलत की पैरवी कर लेकिन एक है सुन्नत सुन्नत जो है ये असल में शरीय के उन मसाइल को कहते हैं जो जिन पर हम दुनिया में अमल करते हैं मिसाल के तौर पर मिलत इब्राहिमी में जो नमाज है हमारी नमाज का उससे फ़र्क हो सकता है इसलिए उस मिलत के जो रोज़े हैं उनका भी फ़र्क हो सकता है इसी तरह उनके हज के मसाइल और उनके दिगर मसाइल का भी फ़र्क हो सकता है तो ये गोया के शरीयत के जो अज्जा हैं ये हमारे मुख्तफ हो सकते हैं इन कहने का मकसद यह है कि हजत इब्राहिम की शरीय और, और उस फिर शरीय के ताबे हैं हरत साग चूँकि वह खुद रसूल नहीं है लेकिन जरत इस्माइल जो हैं उनकी शरीय जो है वो अलग है क्योंकि इस्माइल जो हैं वो खुद रसूल है कुरान मजीद ने कैसे अब इसमाइल इन कान रसूला नबी है ना उनकी शरीय जो है वो अलग थी हरत शाह की शरीय वही है जो हजरत इब्राहिम की है और उसके बाद फिर वही शरीत जो है वह बाद में हजरत अकूब आलिम की चलती आई है फिर

कह गए नायक हदाह ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दिया और इन्हीं की हिदायत की तू पैरवी कर तो यहां पैरवी किस चीज की है? यहां बरादत है तो मिल्ल का तस्वुर क्या है एक तो तौहि का तस्वर है और दूसरा मिलत का तस्वर यह है कि हम तमाम के तमाम जो है ये रसूल की जमात है हम नबी अक्रम सलसम की हम जमात है तो इस एतबार से जो मिलत के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं ना उनका ताल्लुक ज़्यादा होता है कि तो किरदार से और इसके लिए मैं आपको दो हदीसें सामने रख कर उनके मफहम का थोड़ा सा फ़र्क बताऊँगा ताकि ये मसला मज़ीद खुल जाए एक हदीस ये है कि पहली उम्मतें जो हैं इकहत्तर फिरके बनी फिर बहत्तर बनी और ये उमत जो है यह तिहत्तर फ़िरके बन जाएगी और वहाँ जो है वो आगे लफ्ज बात कही है कि सब आग में होंगे एक जो है वो की होना यहाँ ये चीज़ें मुराद हैं और जब दीन की बुनियाद एक होगी तो ये सही वो तरीका है जो हमारा नबी अकरम सरसम का तरीका है तो इसको तो फिर के अंदर क्या होता है कि वो असल में अपने अपने मकासित के मुताबिक जो है वो धड़ों में तकसीम हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर गालीब आने की जो हैं जो इनको है मज़ीद इसके अंदर तसब देकर जो है वो उनको अलग कर देती हैं अभी आप नान तो आपने वो सबक में रखा मैं परसों का पढ़ा ही नहीं है सुना लग सुना ने सुना तो उसके अंदर मैंने बताया कि ये इजमा का कोई तस्वर नहीं है हाँ जी तो इसलिए अभी तो आपको मैंने माख में इजमा का नाम दिया ही कोई नहीं आप असल में मसला जो है वो मुझे अभी बयान करने दें फिर बाद में सोचिएगा आप जल्दी कर रहे हैं तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको ये बताया है कि हाँ मिलत का एक तस्वुर जो है ना ये शरीर है और मिलत के अंदर गोया कि हमारा एक नज़म है मैंने इसीलिए आपको यह हदीस एक तो यह हदीस आपको बयान है अच्छा एक हदीस है जिसके अंदर ये है कि नबी अक्रम सन फिर मैया के पहले ये होगा फिर बाद में ये होगा खैर व शर की जो आप ज़मानी एक आपने तकसीम बताई है और आखिर में ये आपकी बात है कि कि अगर अगर मुसलमानों की कोई इमाम मौजूद हो अमीर मौजूद हो तो तेरा काम है कि तू तो इमाम के साथ जोड़ा रहे और जितने इमाम के अलावा जो टुकड़े हैं वो तमाम के तमाम तेरा काम है उनसे अलग हो होगा लेकिन अगर मुसलमानों में ये नज़म इस तरह इजमाही मौजूद ना हो तो फिर उस वक़्त तेरा काम ये है कि तू तु इन टुकड़ों से बचकर जो है अपना पहाड़ों में जाकर या बे आबाद इलाकों में जाकर जंगलों में जाकर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन इन टुकड़ों में तो तकसीम ना हो फिर बंदी की इसलिए कि फिरका बंदी जो है वो सोच को बिगाड़ देती है रवैये की की तो इसलिए इस इमाम बुखारी ने जो सारा ज़ोर दिया है वो इजमाईत पर यही जोर दिया है कि हमें इतफा का हुक्म है बाकी ये हदीस जो है लातम उम्मीद जला वगैरह ये तो कोई हदीसें कोई नहीं है तो सर में मकूले हैं जो हमारी फ़िका की किताबों में फैले हुए हैं और इनका कोई मैार भी कोई नहीं है इसी तरह है, ये जो अज अज तहद वी वाली हदीस है ये भी कोई हदीस ऐसी नहीं है तमाम हदसिन के नज़दीक ये जयीर है लेकिन इसका मफहम जो है वो कितना दुरुस्त है मैंने परसों ये बयान किया था कि इसके मफहोम के अंदर अगर गहराई में जाएंगे तो मफहम भी इसका दुरुस्त नहीं है वहाँ यह है कि सबसे पहले हम कुरान मजीद पर अमल करेंगे इसका मतलब सुन्नत के बगैर कुरान पर अमल होगा हालांकि सुन्नत के बगैर तो कुरान पर अमल ही नहीं होता इसलिए कि सुनत उसी कुरान मजीद का अमरी नमूना है तो नबी अकरम का नमूना छोड़कर जो है हम कुरान पर कैसे अमल करेंगे तो इसलिए ये तमाम चीज़ें ये हदीसें जो हैं चूँकि हमारे ओसूल फ़िका के अंदर आम तौर पर इनका हवाला दिया जाता है इसलिए बाज़ इमा ने कहा इनका मफहम जो है वो दुरुस्त है लेकिन वो उससे बड़ी उलझने पैदा होती हैं तो मैंने आपको जो इस वक्त जो चीज़ आज बताई है वो बताई है मिल्ल तो मुसलमानों की एक मिलत है तो मिलत से मुराद मुसलमानों की वो इज्तमी है ये हमारी इस तरह जो है ना मिलत की अच्छा इसके साथ जो मैंने अभी आपको दूसरी हदीस बयान की है कि फैलम यक इमा... इमाम फैलम इमाम कैसे अल्फाज हैं हज़ी भाई अगर ये मुसलमानों का नजम ना हो और इमाम ना हो तो फ़ात फिल्ल इसके अंदर जो है वो आ, 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 बयान हम हमारी जो इमरानी इज्तमात है वो मुराद नहीं है बल्कि इससे हमारी जो मुराद है वो नज्म खिलाफत है कि अगर खलीफा कोई ना हो तो नज्म खिलाफत का ताल्लुक हमारे सियासियात के इन से है और जो ये है ना कि वही जमा इसका तल्लु हमारे इमरानी रवैयों से है इमरानी रवैया और चीज़ है और हमारा सियासी नजम जो है वो और चीज़ है आमतौर पर जो है यह तहजीब तमदन का लफ्ज जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल होता है जैसे कि इस्लाम और ईमान का लफज अगर इकट्ठे इस्तेमाल हो तो उससे मुराद मजमू दीन होता है इस तहजीब तमदन तहजीब से मुराद उस वक़्त हमारा और तमदन से मुराद जो होती है वह हमारी दुनियावी तरक्की होती है क्योंकि तमदुन है असल में शहरीत से गाँव का शहर का फ़र्क किरदार और सीरत का नहीं होता वो उसमें फ़र्क होता है कि उनके पास तरक्की याफ्त वसायल होते हैं शहरीों के पास और गाँव में वो तरक्की याफ्ता वसायल नहीं होते हैं और आ, तो इसलिए जो मादी तरक्की है उसको तो बोलते हैं तमदन और जो सिरत किरदार होता है वो जो है वो तहजीब होती है अब मैं मिसाल आपको समझाता हूँ कि मुसलमानों की तहजीब क्या है हया मग, मगरबी तहजीब में हया का को तब्वर नहीं है उनके अंदर जो है वो ये काम बेहयाई के सारे काम अब देखिए मगरब के अंदर क्या है कि एक लड़की जब अपना जिंदगी का साथी तलाश करती है तो सारे गंदगी से गुज़र कर उसका साथी बनता है और फिर उसके बाद भी रुझान ये बन गया हुआ है कि आमतौर पर लोग निकाह को बहुत बड़ा बोझ समझते हैं कि जिम्मेदारी पड़ जाएगी निकाह के बगैर ही रहो बच्चे पैदा करते जाओ और निकाह के बगैर ही जिंदगी गुजारो तो ये उनका कल्चर है हमारा कल्चर जो है उसके अंदर हया है हमारे कल्चर के अंदर रिश्ते हैं मर्द और चीज़ है औरत और चीज़ है इसी तरह हमारे यहाँ बाप का माँ का एक हक है जबकि मगरब के अंदर माँ बाप का कोई हक ही नहीं है बल्कि अगर बाप जो है वो अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ आजादाना मेल जोल से मना करता है तो उसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं तो ये हैं वो करेक्टर और असरत तो ये हमारे इस्लाम के अंदर करेक्टर और सीरत है हती कि इजमाही तौर पर भी हमारे जो मामला हैं करेक्टर और सीरत के मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी अरब में जाएं इन मुल्कों में जाएँ आपको हर मोहल्ले के अंदर जो है वो एक मस्जिद मिलेगी हर हवेली के अंदर एक मस्जिद मिल जाएगी आप जो है वो इंग्लैंड में जाएँ तो आपको मस्जिद तो इस तरह नहीं मिलेगी आपको जुए खाने हर जगह मिलेंगे जुए खाने शराब खाने बल्कि हमारी मस्जिदें जो होती हैं इनसे बहुत ज़्यादा होते हैं जुए ख़ाने और शराब खाने तो ये है वो सीरत किरदार जो मगरब का है इसलिए जो इस वक्त तमदनी जो तरक्की है ना जो इस सुपर कोवतों के हाथ में है उस तमदनी तरीक़े तरक्की की वजह से वो दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं और उन्होंने दुनिया को अपना जो ग़ुलाम है वो बनाया हुआ है लोग उनकी वजह से इतने मरूब हैं कि उनकी जो गलत चीज़ें हैं ना मस यही मर्द औरत का हयासे अलग हो जाना और इसी तरह जो है वो रिश्तेदारी का ख़ानदानी निज़ाम की कोई अहमियत ना होना ये तमाम के तमाम जो है वो चीज़ें ये हकीकत में ये गलत चीज़ें हैं और ये मगरबी तहजीब जो है बल्कि मैं तो कहता हूँ ये या याजूज माजूज की तहजीब है या माजूज की तहजीब है वो ये है जो हमारी इस्लामी तहजीब है उसकी कदरें जो है वो ये है इसी तरह मुसलमानों का नमाज बाज़मात पढ़ना नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ करना रोज़ों को इकट्ठे रखना ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मगरब ने चूँकि ईसाइत ने शिकस्त खाई है और जो जो है वो कैसर को हुकूमत देने के बाद जो है वह मजहब को अपने हाथ में ले दी है और मज़हब का तस्वुर उनके यहाँ जो है वो क्या है कि जो उनका होता है ना पोप उसके पास खुदाई इख्तियारत होते हैं इन उसका काम क्या है कि जाते हैं बदकारियाँ करके और उसको जाके पैसे देते हैं और वो सारे के सारे गुदाम माफ़ कर देता है कुरान मजीद में इसी की तरद की है लहीस्यून ओ यतूबा लहीम ओ यम फ़ैन झाल तो मेरा कहने का मकसद ये है लेकिन मगरब ने चूँकि गजब फिक्री के अंदर गलबा पाया हुआ है इसलिए असिलाह का इस तरह बिगाड़ पैदा कर दिया है कि हमें असलाहत के अंदर आपस में फ़र्क क्या है वो भी समझ नहीं आता अब मिसाल के तौर पर ये एक लफज़ है तहजीब का ये उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है और इससे मुराद तो किरदार है अब यह है कि इसका जो अंग्रेज़ी है वो क्या है कल्चर यानी सीरत के मुकाबले में जो अंग्रेजी जुबान में लफ्ज़ है वह है कल्चर और कल्चर का माना होता है किसी का गहरा तजिया बल्कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि भाई इस खून का तो इसलिए अरबी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ है सकाफ़त जो है वो आला तहजीब होती है और जिसमें सिर तो किरदार जो है वो गिरा हुआ हो वो वो तहजीब जो है वो गिरी हुई होती है तो इसलिए असल शहर और गांव की जो तरक्की है इसका कोई ताल्लुक जो है वो तहजीब से नहीं है ये हकीकत में वसायल शहर के अंदर ज़्यादा होते हैं और इसी तरह शहर के अंदर जो है वो चूँकि मुख्तलिफ़ के लोग रहते हैं इसलिए उनको जो है वो दूसरों का ध्यान भी रखना पड़ता है इससे अगरचे उनकी कुछ बाज़ अखलाकी अकदार जो है वो मुतासर भी होती हैं लेकिन मजमू तौर पर कम तरक् याफ्ता होना या तरक् याफ़्ता होना इसकी कोई असियत नहीं है भाई हयात हयात व तहजीब का मसला है ना क्लैश ऑफ कल्चर वो तो मानता ही नहीं बता इसलिए कि ये मग़रब और मग़रब के तमाम के तमाम जो इस व एजेंट हैं उन्होंने यही काम किया हुआ है। आप देखिए गांधी पूरे का पूरा क्या है ये ख़ास तौर पर अफजार रिहान ये ये गांधी है ना जो आमतौर पर दिखता है इसका काम ही ये है, है ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सिविलाइजेशन कहा है कि तरक् याफ्तः कौमों की असर में तहजीब है और हम उसके ताबे हैं हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि हम तरक्की याफ़्त कामों के अंदर जो बुराइयाँ हैं मसलन उनके यहाँ ख़ानदानी सिस्टम नहीं है उनके अंदर हया नहीं है उसके अंदर मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं है उनके अंदर जो है वो रिश्तों का कोई पास नहीं है ये सारी की सारी मगरबी कल्चर की खराबियाँ हैं तो ये कल्चर का मामला है मैंने आपको जो अभी लफ्ज इस्तेमाल अभी तो मैंने आपको लफज पूरा नहीं किया जो है इसके साथ जो है वो अपना सकाफत ये एक चीज़ है मैंने असल में ये तसवुर आपके सामने इसलिए रखा है कि इससे बड़े मसाइल जो हैं ये पैदा हुए और चूँकि मगरब ने मुसलमानों को जो है वो नौ आबादी अपना बना लिया सियासी तौर पर जो है इनके मुल्कों के अंदर जो है वो अपना तसल जमा लिया और जब ये मुल्क जो है सियासी तौर पर मगलूब हो गए तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कोशिश की कि अपनी तहजीब जो है वो इनके सामने जो है वो पेश करके उस तहजीब को जो है वो वहाँ फ़रो दें तो उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि तहजीब क्या इस्लामी तहजीब जो है कोई अलग चीज़ है ये मैं आपको वाजह करना चाहता हूँ अगर क्या दफ्सर तहजीब का इस्तेमाल जो है वो तो नहीं हुआ यानी कोई तीन चार सौ साल से पहले लेकिन एक तस्वुर है जो सरारत मुस्तकीम के तकाजे होते हैं जो सरारत मुस्तकीम के जो हैं वो तलबात होती हैं उनके लिए फिर इस्तेमाल होता है जिसके लिए इबन तैमिया की किताबें इकतु मुस्तकीम और उनके अंदर उन्होंने जो है वो किसी की अकदार की खूबी और कमी जो है उसको नज़रअंदाज़ कर दे और फिर वहाँ तहजीबें जो हम वो अपने तौर पर आज़ाद हो जाएं बल्कि तहजीबें मनवाई जाएँ गुवत से तो फिर जो है जो बिगाड़ पैदा होता है वो यही होगा कि आप देखिए अब हमारी यूनिवर्सिटियों में जितनी गंदी फसा है कोई एक यूनिवर्सिटी मकसद मेरा आप से ये है कि ज़रा तहजीब और तमदन के फ़र्क को समझिए इसलिए कि मसायल कुछ पैदा हुए हैं मिसाल के तौर पर हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कुर्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम चमचों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम प्लेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसी तरह जो है वो आ, ये जो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये हकीकत में तमदनी मसला है इसलिए तमदनी मसले में अगर आप खाना खाते हुए जो है वो हाथ से खा लें चमचे से खा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका ताल्लुक़ तमदनी मिसाइल से ना चमचे के ज़रिए से कुछ और आसानियाँ पैदा होती हैं हाथ के साथ खाने से कुछ और चीज़ें पैदा होती हैं बल्कि यहां तक है कि हमारे बुजुर्ग जो है वो हमें तरबियत दिया करते थे कि आप हाथ से खाएं और उसके बाद ये उंगलियाँ उस वक्त तक चाटते रहें जब तक कि इसके साथ जो वो गजा लगी हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मेरी हालत ये है कि मैं जब घर में खाना खाता हूँ मेरी प्लेट जो है वो ऐसी मालूम होती है जैसे दुरी हुई है मेरी आदत है कि मैं प्लेट को साफ किए बगैर रहता ही नहीं बल्कि जब थोड़ी सी उम्र जवानी की थी तो उसको तो कई दफ़ा इफरात तफरीद का भी शिकार हो गया मतलब यह है कि सर्दी में खाना खाया तो वहाँ जो घी वगैरह जम जाता तो मैंने घर वालों से कहा कि जी ये ज़रा प्लेट गर्म कर दें उन बेचारों को मैंने मुसीबत डाल दी मतलब मेरा ये था कि प्लेट गर्म हो जाएगी तो मैं ये घी वगैरह चाट दूँ चाट लूंगा यानी इस तरह से हमारी तरबियत की गई आज तक जो है वो अलहमदिल्ला ये तरबियत चली जाती है तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं ये तमदनी हैं इसलिए तमदनी मसायल के अंदर खास तौर तो पर ये जो खारिज जामी का ग्रुप है वो बड़ा भटक गया है उन्होंने क्या किया कि असल में तहजीब और तमदन को एक कर दिया और जो मगरबी तहजीब है नहीं मगरबी तहजीब है तो गलत लेकिन मगरबी तमदन का भी इनकार कर, कर दिया का करते करते तमदन का इनकार कर दिया वो बल्कि यूनिवर्सिटी में इसी तरह लेक्चर दिया उन्होंने तो एक साहब कहते हैं आप कराची से यहाँ लाहौर किस तरह आए हैं जी घोड़े पे बैठ के आए हैं ये जी और खुद वो व्हाट्सएप चेक कर रहे थे वहाँ मोबाइल सारा वो सिर्फ इधारों के अच्छा इधारा नहीं जी तो लेकिन उनका जज्बा वैसे मगरबी जो फसाद है उसके दिफा में तो अच्छा है लेकिन एक दूसरी तरफ यह है कि तमदन से आप फैजा ना उठाएँ हालाँकि पूरी दुनिया के ऊपर तमदन तो इस मगरबी दुनिया का छाया हुआ है इसी तरह खैर ज़्यादा <laughs> लंबी मिशाते ना करें फ़र्क पड़ जाएगा एक बात ज़रूरी है कि इस्लाम के इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि इस्लाम के अंदर इतनी वसत है कि वो गलत बहुत से कामों की असलाह करके जो है वो उन्हें भी इख्तियार करे तो खराबियों से बच जाता है अब देखिए गुलामी अब गुलामी की जो इस्लाम ने इसलाह की है, इसला है खत्म नहीं, नहीं किया उसकी वजह यह है कि यह चीज ऐसी थी जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे तो मदनी मसायल से था तो इसलिए इसी तरह जो है वो तमदनी तौर पर किसी चीज़ से परहेज करना यह कोई अक्लबंदी नहीं है जैसे कि अब हमारे यहाँ पहले सुरतल ये है कि जी टेलीविजन जो है ये शतान है इसको तोड़ो तोड़ दो तोड़। हालांकि टेलीविजन की खराबी ये नहीं है टेलीविजन की खराबी तो तबदनी तो है नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ ये मसला पैदा हुआ हम हम इसी ये जो जिसका ये प्लाट बना हुआ है यहाँ हम खेल रहे थे चिड़ी छिक्का और हमारे एक बुजुर्ग थे हज़ारा के मौलाना अब्दुल मजीद हज़ार भी ये खास तौर तो पर जब सल्फी तहरीक चली है ना तो ये गजमी ख़ानदान के नुमाइंदा थे आप सदुल्ला रोपड़ी के साथ ये निकोया कि ये भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सल्फी तहरीक के लिए यहाँ बड़ी कोशिशें की हैं तो हुआ ये कि हम चिड़िचिका खेल रहे थे तो वो आ गए थे वहीं ठहरे हुए लेकिन जब बाहर निकला तो हमारे वाले साहब से कहते हैं देखिए आपकी औलाद चिड़ी का करती है <laughs> तो खैर वाले साहब ने हमें जल्दी से कहा भागो चल भाग जाओ वो इसलिए कि उस वक्त ये मसला बास का नहीं था तो ये असल में मसाइल तमदनी है इनका ये मसाइल कल्चर के हमारे मसाइल नहीं है ये तो इसलिए इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है इसलिए दुनियावी तरक्की जो है ये मुसलमानों को इतनी करनी चाहिए कि ये जो याजूज माजूज से भी ये ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाए मैं यजूज माजूज से आम तौर पर रा देता हूँ ये मगरबी अकवाम और इसी तरह जो ये रूस और चीन वगैरह ये, ये सारी की सारी निस्टार लेते हैं। आप या वैसे नहीं, कह रहे हैं। नहीं।, 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 नहीं। तो मेरे नज़दीक बस तशरी यही है कि ये सारे के सारे यजूज मजूज हैं और इसलिए कि ये तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि आदम से ये कहा जाएगा आदम से कि तुम जन्नत के लिए जो है जहनम के लिए अलग करो तो वो कहेंगे किस निष्पक्ष तो कहें कि एक जन्नत के लिए निकालो और नौ सौ निन्यानवे जो है वो जहन्नम लिए तो जब सिबा ने ये बात सुनी तो सिबा तो बहुत परेशान हो गए उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि हम में से हज़ार में से एक आदमी जो है वो जनती है तो इसका मान है कि हम में से कौन जनती होगा वो बेचारे परेशान हो गए तो नबी अक्रम सर ने फरमाया कि असल में ये गिनती जो है ये या, याजूज माजूज से पूरी की जाएगी इससे अंदाजा ये होता है कि यजूज माजूज की जो तादाद है वो हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है नहीं नहीं आपका क्या ख्याल है कि हम ज्यादा हैं ऐसी बात नहीं है आपको मैं बताऊँ की इस वक्त मुसलमान सिर्फ डेढ़ अरब हैं और पूरी दुनिया की आबादी कितनी सात अरब तो छह तो फिर क्या क्या रिश्वत हुई मुसलमान ज्यादा नहीं है बल्कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद जो है वो ईसाइयों की है तो इसी में आपको ये बताना चाहू मैं अगर यह जूझ माजूज मा का लफ्ज़ मैं, इस, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि जो है ये बात आपके लिए वाज हो जाए जी जा, आपके लिए ज़रा आसान हो जाए तो इसीलिए अब उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार हैं देखिए वैसे जिन उनमें उन से जिसको हक का इलम हो जाता है वो मुसलमान हो जाता है इसका मतलब है माजूज़ सारे जानवी नहीं है माजूज़ में से जो मुसलमान हो जाए वो भी जनती है।, है, है।, है जो है नौ सौ नवे सिर्फ याजूज़ माजूज़ नहीं है बेशुमार वो लोग हैं जो यहन सारा है अक्सरियत के मानने में इस्तेमाल करता हूं जो तरक्की याफ्ता लोग हैं और जिन्होंने जो है वो तमाम खराबियाँ उनके अंदर मौजूद हैं लेकिन पब्लिक जो उनकी लाइफ है ना उन्होंने बड़ी आला बनाई हुई है और पब्लिक लाइफ की वजह से इंग्लैंड के वीजे के लिए दरखास्त दी और जब मैं इंग्लैंड के वीज़े के लिए गया तो जो वहाँ का जो बड़ा काउंसल था उसने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में मुझे पूछता है कि जी बात यह कि मजहब का तस्वर आपके नज़ीक क्या है अब उसने भी ये मुझे सवाल किया मैंने कहा मजहब का तस्वर यह है कि इंसान को बेहतरीन इंसान बनाना ये बात सुनकर वो चुपसा हो गया हैरान रह गया कि मजहब का तस्वर यह है मैंने कहा मजहब का ये तस्वर जो है ना बंदी ये सारा गलत है मजहब का कोई तस्वुर बंदी की नहीं है मजहब तो असल में इंसान को सही माना में इंसान बनाता है अच्छा जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो वो मुतासर हुआ उसने जो है वो जो सफीर था उस उसके पास मुझे ले गया कहा जी बात यह कि ये वो लोग हैं जिनको वीजे मिलने चाहिए कितनी आज बेहतरीन जो है वो हमने तारीफ़ सुनी है मज़हब की कि मज़हब तो असल में इंसान को बेहतरीन बनाता है और बात है भी आपको पता है कि ईसाईत के अंदर तो आदमी इस्लाम के गुनाह की सजा जो है वो अल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी की सूरत में दी है हमारे मज़हब में जो है वो जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है तो इसलिए ये जो तस्वुरा है ना इनकी मैंने इसलिए वजाहत की है कि हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम उन तर्जों की

ये फिरके जो है इनका इतना जोर है कि मुझे याद है कि मैं बहुत तकरीर किया करता था और कहा करता था कि मुसलमानों का आपस में इतिहाद होना चाहिए तो एक मौलवी साहब जिन्होंने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया हुआ था ये कजाफी शरीम के सामने वाली बात है वो कहते थे ये आदमी तो एक हदीस की मुखालफत करता है हदीस ने कहा कि मेरी उम्मत जो है वो तेतर फिरके हो जाएगी ये कहता है एक बनो <laughs> <laughs> तो मैं हंसता मैंने कहा हदीस का मतलब यह है कि तेतर फिर क्या बनो बनो हाँ तो ये इस तरह की जो हमारे यहां फैल गई हैं और आप देख लीजिए पूरी यूनिवर्सिटियों के अंदर कम को बयान नहीं किया जाएगा तारीख शुरू हो जाएगी ना हदीस और ना अहल राय इसलिए मैंने जो, जो आपको दरस दिया उनके अंदर मैंने इस चीज का जो है वो शुरू यहां से किया कि अहरा राय और हदीस के जो है वो तस्वर क्या फर्क है और इनके अंदर क्या क्या चीजें किसकी खूबियां हैं और किसकी वो कमजोरियां हैं तो इसलिए उसकी बुनियाद पर अगर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी बात जो मैंने आपको जो ख़ास तौर तो पर ये कही है वो वे कही है कि ये का जो बिगाड़ है ना मुतान का मुतान को ये हक़ तो है कि वो अपना एक मखसूस तस्वुर उसके मुताबिक कोई इस तरह इस्तेमाल करें लेकिन मुतकदमीन की इस तरह का माना और करना यह गलत है ये उनको हक़ नहीं है या तो कहें कि मुतकदमीन की इस तरह जो थी वो ये थी हमारी इस तरह अपनी है जैसे कि गांधी ने कहा है गांधी को हक़ क्या वो कहता कि सुलरत की इस तरह मेरी अपनी मेरी अपनी है ठीक है जो मर्जी कर लो सुनत से मुराद जो है वो तुम जो है वो अगर बदकारी भी सुनत का माना दे रो तो क्या फर्क पड़ता है आखिर देखिए ना मनसन्ना सुनतिया भी है ना हाँ नहीं। सही है। एक आदमी जो है वो किसी के यहां जो है वो अगर बेहही पैदा करता है तो सुनत सैया भी जो है वो वो भी ही है इन है मानों में तो अच्छा एक चीज मेरे ख्याल में यहाँ ये भी बड़ी अच्छी याद आ गई है कि एक तरस नाफि करना इसको सुन्नत कहते हैं मिलत जो है वो हकीकत में इंसानों का जो है वो एक ताल्लुक है और जो मिलत के सरबराह के वास्ते से होता है यानी हम मिलत मोहम्मद यानी मिलत इब्राहिमी है इसलिए कि हज़रत इब्राहिम की मिलत हजरत मूसा की मिलत हजरत ईसा की मिलत और इसी तरह मोहम्मद ससम की मिलत ये सारी की सारी मिलत एक है लेकिन आप यूं समझिए कि सुनते हैं जो है वो अलग अलग है अब इब्राहिम हजरत इब्राहिम के दौर में सदा तजीमी जायज़ था हजरत यूसफ अलीस्म के माँ बाप ने और उनके भाइयों ने को सैदा किया है इसी तरह जो है वह सलेमान के दौर में तमाशीब जो है वो जैज थी दो बहनों के साथ का नहीं, वो मसले तो खैर बहुत हैं दो बहनों जबकि ईसवी शरीत की आदत का है उसकी असर बुनियादी ये थी कि असल में वो जो बादशाह था ना वो शादी करना चाहता था आप अप, अपनी भांजी से तो उसके साथ उसका मुआशका था तो इस जना पर जो है वो हजरत यया का सार उसने कहा कि मुझे लाके दो लेकिन मसला तो ये है शेख कि यया अल इस्लाम तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हैं आपको ये बताऊं कि पहले तो हैं लेकिन ईसवी है। की किताबें हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही नहीं है तो वो पहले उसको कौन कहता शरीय नहीं है तो नहीं दे रहा आपको यह पता है कि यही आदि को बचपन में शरीय नहीं मिली नबूत नहीं मिली ईसा इस को बचपन में मिली है तो पहले कैसे हो गए वो इन उम्र के अतबार से आप कह सकते हैं कि चंद रोज बड़े थे लेकिन शरीयत के शरीय ईसवी किताबें है यही आदि अब ये मसला आपके सामने आ गया है तो मैंने आज जो है वो इसलिए पेश किया ताकि ये बिखरी चीजें हैं लेकिन कम से कम आपके सामने आ जाएं तो हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीयत ने बुराई को ख़त्म करने के लिए जो आदमी पहला दरवा बुराई का दरवाज़ा खोलता है मैं साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ औलाद में अब ये तो क्यामत की निशानियों में है कि औलाद जो है वो माँ बाप की बागी होगी क्यामत की निशानियाँ हैं लेकिन जो औलाद में सबसे पहले बगावत करेगा तमाम बगावत करेगा। औलाद फिर उसके मुताबिक चलती है और बिगाड़ उस सर पैदा होता है इन्हें आप देखिए कि बड़ा बेटा अगर माँ बाप बाप के गले पड़ जाए उस बाप की फिर घर में पूरी पूरे घर में इज्जत नहीं होगी क्योंकि ये असल में बुराई का दरवाज़ा खोलना पहला ही जो है वो खुल गया।, आ, खुल गया बाकी सब के लिए जो है वो खुदा पैदा हो जाती है इसलिए मनसन्ना सुन्ना तन हसाना तन जो है ये बड़ी अहम चीज़ है और इसीलिए नबी अगर फरमाया कि जो भी इस इसकत कत्ल होता है उसके अंदर जो है काबिर को उसका गुनाह जो है वो उसका गुनाह का एक हिस्सा कबीर को जरूर इसीलिए अल्फाज है ना कि उसका जो है वो किफ़ल होता है ये अल्फाज हैं कि अलबन आदम किफ़िल हा और हाँ और उसमें अल्फाज का फ़र्क ये भी है किफ़िल मिन दमे हाँ बाज़ बाद रवायतों में मिन है और बाद रवायतों में जैसे कि सुफियान जो है वो आ, ये सुफियान बिन उयाना की जो रवायत है उसमें मिन दमिहा है इसलिए कि सन्नल कतला अव्वलन उसने जो है इस इस रवाज को खोला था पहली दफ़ा तो ये आज मैंने तहजीब तमदन के बारे में जो बातें की हैं अगर किसी को जो है वो इस पर सवाल है तो वो खास तौर तो पर जो है वो लिखते मैं इन वजाहत भी कर दूंगा सब कर नहीं वो बात ठीक है लेकिन मुझे शिकायत मिली है कि आपको इस्लाम साहब ने कोई चीज़ें भेजी थी आपने वो सवाल मेरे सामने पेश नहीं किए नहीं वो उन्होंने कल भेजी जुम्मन था मैं आया ही नहीं मैं उसका प्रिंट निकाल देता अच्छा अच्छा इसलिए जो सवाल भी आए ना वो मुझे अच्छा। दिया करें इसलिए कि हमारा मकसूद जो है वो ये है कि ये सारे तस्वर इनका निखार पैदा हो अब देखिए ना यूनिवर्सिटियों में तो ये फदा है ही नहीं यूनिवर्सिटी में तो आमतौर पर प्रोफेसर जो होते हैं दीन के मामले में कोरे होते हैं जाहिर होते हैं और आमतौर पर जब कोई आदमी जो है मगरब से जा करी करके आता है तो वो तो उसका तबाही मिचा देते हैं उसको सही रहते दो आदमी मैंने देखे हैं जो बड़े ठोस थे लेकिन पी एच डी उन्होंने जाके मगरब से की सारे अफकार बिगड़ गए और अब देखें ना ख़ालद अरवीद साहब वैसे तो बरेदी से जमात इस्लामी में गए बहुत कुछ उनके अंदर इसराह आई फिर अब गजनी के शागिर्द होने की वजह से तोहद की तरफ भी काफ़ी आए लेकिन जो उन्होंने जा कर पी एच डी की है मंडी वार्ड की निगरानी में उसके साथ बड़े सा तस्वरत तो उनके सियासी बिगड़े हैं इसी तरह ये सफ़ीर अख्तर राही जो हैं ये भी इसी तरह के बड़े जहन आदमी थे मुझसे तो खैर काफ़ी छोटे इंतजाम ही मुहदस के साथ वबस्ता हो गए थे इनके भी अफकार इसी तरह जो है वो उसकी वजह असल में यह है कि इन लोगों को दीन की बुनियादों का गहरा इलम नहीं होता तो फिर उसके बाद भड़क जाते हैं कहना मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसरों के अंदर जो है ना तहकीक वो कोई नहीं होती अगरतः अब मशहूर यही है कि यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की मालूम ज़्यादा होती हैं लेकिन जो मदारस के अंदर जो उलमा होते हैं वो ठोस ज़्यादा होते हैं लेकिन मदारस का असम बेड़ा गर्क किया है फिर फिरबंदी ने फिरका कि बंदी। हर जो मदरसा है वो एक फिरके का है उसका काम यही है कि अपनी फिर फिर वाराना मसायर को जो है फ़रोक दो और इनको जो है वो लोगों को फिक्र जो है वो मान फिक्र है ही कोई नहीं जब फिर बंदी आ गई फिर फिक्र क्या है फिर तो आप देखिए ना करोड़ों इख्तराफ हैं फिका में अब वही फिका जो है वो उनका मर्जा मर्ज़ा मर्जा मर्जाबान मर्जाबान हालांकि सीधी सी बात है कि ताबो सुनत को जिसमें कोई اختلاف ही नहीं है लेकिन अनिल जी तुम है कि कम से कम नारे हैं उम्मीन के पास कम से कम नारे माशाल्लाह कम से कम अदियों को जो बसीरत नहीं है नारे हैं बसीरत के बगैर नारे <laughs> 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 उनमें आप शामिल ना हो कम से कम चलिए जी